लोग के सब सब आई हो आप लोग ठीक होंगे। और हम लोग जा रहे हैं अब दिल्ली चार धाम यात्रा के लिए। और माही यहाँ पे घर पे अकेली है, ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान हो गई थी अकेले की वजह से, और इसके क्लासेस और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे इस वजह से ये जा नहीं पा रही थी, कि सबसे गले मिल मिल के रो रही है और सबको भी रुला रही है अपने साथ। दोनों इमोशनल हो चुकी है। हाँ बड़ी में थोड़ा ध्यान देना। अच्छा हाँ, चलिए हो गया ये सब, ये भी एक रीति रिवाज है। क्या हो माही, चलो देखो हम लोग तो यहीं पे हैं, भाभी लोग जा रही है इसके साथ रहिएगा। हाँ हे बाल तो देखो माही अपना, हर से बाल एकदम इधर उधर डिजाइन डिजाइन का झड़ता। आज कौन सा डिजाइन है, है? देख सकते हैं सब लोग निकल रहे हैं अब, सब लोग इमोशनल है भी तो। सामान भी लेना है यार, हम लोग खाली हाथ जा रहे हैं नीचे तो गाड़ी पे पड़ेगा। यहाँ सुजल बोल रहे हैं नानी को रुक जाने के लिए अभी भी, बट नानी बोल रही है हम तुम ही लोग के लिए जा रहे हैं वहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ तो भी। यहाँ गाड़ी भी रेडी हो चुका है जाने के लिए। हम लोग पैदल गए हैं, दो नंबर पा रहे हैं गाड़ी में खोलेगा हम लोग को भी गाड़ी से जाना है ना, पैदल पैदल ही हम तो कैमरा ऑन किए ही नहीं थे। इतना मेहनत बेकार हो गया। अरे नानी देख रहे हैं आप, पैसा वाला सिलसिला चल रहा है, मतलब नानी दे रही है मिठाई उठाई खा लेने के लिए। और अभी मैं पहले इससे पहले वीडियो बनाया था बहुत सारा, पर वो मिस हो गई क्योंकि मैं वीडियो ऑन किया ही नहीं था। देख सकते हैं यहाँ पे गाइस भाभी लोग यहाँ सब लोग खड़े हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, और ये इतने सारे बैग हो गए हैं। बड़े पापा भी वहाँ पे खड़े हैं इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का ही। यहाँ सब लोग थक चुके हैं, ये हमारे अंकल सब। और भाभी कैसा लग रहा है, मतलब थक गए क्या आप भी पूरा? धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना। आज आदित भी निकलने वाला है वहाँ पे उड़ीसा, वो भी एनर्जी सेव कर रहा है। हाँ ट्रेन घुसने में देख सकते हैं गाइस ट्रेन आ रही है, हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में, आ चुका है। माही को खुश रखना, माही बस यहाँ पे अकेले हो जा रही है और सब लोग जा रहे हैं घर से, मतलब हम लोग तो हैं भाई लोग तो हैं उसके। ट्रेन आ चुकी है, सुबह हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए और ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 2 मिनट रुकती है, इस वजह से हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। और सुबह के 3:30 बजे ही उठे हुए थे हम सब लोग, क्योंकि रास्ते के लिए खाना बनाना था सब कुछ, तो इस वजह से क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और गर्मी भी थी, तो फिर उसके बाद 2 घंटा ट्रेन लेट हो गई थी उस वजह से और ज़्यादा थकावट हो गई स्टेशन पर आके हम लोगों को। अब हम ट्रेन में चढ़ के फटाफट आधा 1 घंटे बाद सीधा हम सो गए थे, और सो के तो मैं अभी उठी हूँ, भयंकर वाली नींद आ गई थी मुझे तब मैं उठी, और मम्मी पापा नानी सब सो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखिए वहाँ पे मम्मी सो रही हैं और यहाँ पे सो रही है नानी, मम्मी नानी पापा सब अपनी अपनी सीट पे चढ़ के सो गए हैं, और नानी तो ऊपर चढ़ नहीं सकती थी, हमारे पास 1 ही लोअर सीट था तो नानी लोअर सीट पे सो रही हैं, और अभी भी हमारा थकान और नींद पूरा नहीं हुआ है। अब
अभी और सोएंगे थोड़ा देर, फिर क्या कहते हैं उठेंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 1 बज रहा है और मुझे और नहीं आ रहा। अभी मैं सोऊंगी और फिर सो के उठूंगी। सब लोग उठेंगे तो साथ में उठेंगे, फिर करेंगे लंच। पानी पानी ब्रह्मपुत्र मेल तो क्या कहते हैं कल परसों पीछे 7-8 घंटे लेट थी, आज सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा लेट है। देखते कि अब रात भर में और लेट ना करे तो अपना, नहीं तो सुबह सुबह टाइम से पहुंच जाएंगे। और अगर लेट हुआ तब तो पता नहीं कब उतारेगा, कब पहुंचाएगा, कुछ नहीं पता। और हम लोग जा रहे हैं 4 धाम यात्रा के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो उसके लिए हम पहले जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से फिर मेरी मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली, हम मेरी दोनों फैमिली मिलके हम जाएंगे केदारनाथ। फुल मस्ती मज़ा आने वाला है, मेरे पति देव भी आने वाले हैं। अगले व्लॉग से आप लोगों को वो भी साथ में दिखेंगे, हर व्लॉग में वो साथ दिखेंगे, क्योंकि 1 महीने से मैं आई हुई थी इधर और वो काम से वहीं बेंगलोर में ही थे, क्योंकि उनको काम से छुट्टी मिली नहीं इसलिए वो आ नहीं पाए। तो अब हर व्लॉग में, आने वाले हर व्लॉग में हम दोनों साथ दिखेंगे। सो गाइस, हम लोग नीचे आ गए हैं सो सो के, और हम लोगों का क्या कहते हैं यहाँ पे हो रहा है लंच, पूड़ी भुजिया अचार, और यहाँ पे नानी है, नानी भी कर रही हैं लंच। और नानी को एसी वाली खिड़की में मज़ा नहीं आ रहा, उनको खुला उनको खुला खुला खिड़की चाहिए था, ताकि वो कुछ कुछ खा खा के रैपर फेंक सके, हवा अंदर आए। नानी को इस वाले, हाँ ये वाला बंद बंद ना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। नानी को वापसी में भी यही वाला ट्रेन है इनका एसी का, तो एक्सपीरियंस नानी का एसी का ना कुछ खास रहा नहीं। और अभी लंच कर रहे हैं और एसी, बाहर इतनी तेज़ धूप और गर्मी है ना, उस वजह से एसी का हवा भी बहुत कम कम लग रहा है। अब तो बेचने वाला झालमुरी उलमुरी वाला भी सब गया, पटना खत्म हो गया। पटना गया, निकल गया, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। उधर उधर कहाँ है पटना, उधर अब नहीं गया क्या झालमुरी, नहीं जो लोकल बेचता था ना वो उतर गया, अब जो गाड़ी वाला है पेंट्री वाला वही बेचेगा, वो सबका अच्छा लगता नहीं है। सो गाइस, हम लोग क्या कहते हैं सोए रात भर ट्रेन में, और सुबह उठ के क्या कहते हैं 5 ही बजे हमें ट्रेन उतार दिया था और हम आ गए। और अब ये भी आ गए हैं मेरे पति से, मैं पहले ही आ गए, ये लेट कर दिया आने में। ये कल ही आ गए थे क्योंकि हम ट्रेन से आ रहे थे और ये फ्लाइट से आए, तो जाहिर सी बात है जल्दी आएंगे। और यहाँ पे के नहा के सो गई, उनको ज़्यादा थकान हो गई है तो अभी रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 1 घंटे में नहा धोवा के निकलेंगे सीधा हरिद्वार ऋषिकेश 4 धाम यात्रा के लिए, और ये भी मेरे साथ करेंगे 4 धाम यात्रा। तो गाइस, लवली भी आ गई है, हम लोग फटाफट फ्रेश हो रहे हैं। तो जो आपको बताना चाह रहे थे कि हम लोग का बड़ा ट्रिप का प्लान है, तो वो है हरिद्वार का। तो हम लोग हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, उधर से केदारनाथ जाएंगे, हर जगह घूमने का प्लान है। तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिप होने वाला है, मम्मी पापा सबके साथ जाने का ये मौका मिला है तो बहुत खुश हैं उसके लिए, और बहुत एक्साइटेड भी हैं कि हाँ चलो मज़ा आएगा। तो आपको भी दिखाएंगे पूरा केदारनाथ, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री सब पूरा कवर करेंगे ब्लॉग में। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, फैला दीजिए आग की तरह। और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपनों का ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें और अपने आसपास प्यार फैलाते रहें। तब तक के लिए बाय।